महाराज जी का अंबुजी आइए देखो अंबुजी आइए आप देखो आइए सर यहां पे हम को बताते हैं तो इसलिए किया वो जमीन आपके लिए भूमि की आवंटन मिल नहीं सुविधा अरे आया केवल मेले मैं तो मेले में कोई पहली बार आ रहा हूं क्या तीन दिन हम लोग बिना खाए पी सबसे बात हमारा जब कोई कष्ट नहीं होने देंगे भगवान भाई अभी अधिकारी पूछने तक के लिए नहीं आके आप लोग कोई अधिकारी पूछने तक और मेला में सब व्यवस्था रोड नहीं बन रहा है शासन विभाग के आदमी नहीं सुन रहे हैं एक सुनो पहले एक जगह बताओ कोई तो बता रहा था फिर उधर बोल रहे महाराज जी बोल रहे हम अभी धरना मुझे कागज दिए मैं अभी इसको बात करके समाधान करवाता हूँ व्यापारियों का भी समस्या बनने दो ना इसे कैसे हो जाएगा टीचर युक्त जमीन बात खत्म और किसो भैया एक तो आप जो नई संस्थाओं की कर रहे हो ना पहले जो परंपरागत तरीके से आ रहे हैं उनका होगा नई के लिए फिर अलग से बजट होना चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए उनका देखेंगे रहेगा तो देंगे आश्वासन पांच बार मिल चुका है अभी आप इस तारीख को आइए इस तारीख को या तो पहले बता दें कि ऐसे नहीं जो ये तो सदा होता है मैं तो नहीं मैं जानता हूँ मेला के बारे में जानता हूँ मैं जानता हूँ और पिछले साल जो है कुंभ मेला में हमको जो है जमीन मिली थी अंजनीगढ़ आश्रम के नाम पर हमारा नाम त्रिलोचनानंद जी महाराज है और इस साल जो है हम अधिकारी से संपर्क किया तो अधिकारी ने कहा कि चूंकि आपकी संस्था नई है इस वजह से आपको जमीन नहीं दी जाएगी तो हम जो है धरने में बैठ गए हैं और जब तक हमको जो है जमीन नहीं दिया जाएगा तब तक हम जो है हड़ताल भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे क्या है जो है मेला समाप्त हो जाए जब तक नहीं मिलेगी पिछले साल जो मिला था आपको उसका कोई लेटर वगैरह मिला था दिखाइए मिला है अंजनीगढ़ आश्रम नाम बता दीजिए अपना त्रिलोचनानंद जी महाराज महाराज अंबुजी आइए जमीन आपके लिए भूमि की आवंटन मिल नहीं सुविधा अरे आया केवल मेले मैं तो मेले में कोई पहली बार आ रहा हूँ क्या तीन दिन से हम लोग बिना खाए पी सबसे बात हमारा जब कोई कष्ट नहीं होने देंगे भगवान भाई अभी अधिकारी पूछने तक के लिए नहीं आके आप लोग कोई अधिकारी और मेला में सब व्यवस्था रोड नहीं बन रहा है शासन विभाग के आदमी नहीं सुन रहे हैं एक सुनो पहले एक जगह बताओ कोई तो बता रहा था फिर उधर बोल रहे महाराज जी बोल रहे हम अभी धरना मुझे कागज दिए मैं अभी इसको बात करके समाधान करवाता हूँ व्यापारियों का भी समस्या आपके प्रशासन